तो अब 10 दिन हो गए हैं पठान रिलीज हुए, लेकिन इतने ही दिनों में पठान ने कमाई के मैदान में कई झंडे गाड़ दिए हैं और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का धमाका जारी है। 10 दिन की कुल कमाई के साथ पठान ऑल टाइम टॉप ग्रॉसर्स में नंबर 4 पर पहुंच गई है। यानी पठान के ऊपर सिर्फ 3 और फिल्में हैं, वो भी अपने लाइफ टाइम बिजनेस के साथ, और हिंदी फिल्मों में पठान अब बस दंगल से पीछे है। शुक्रवार की कमाई के साथ पठान ने 10 दिनों में करीब 375 करोड़ रुपए कमा लिए, जबकि आमिर खान की दंगल की कुल कमाई थी 387 करोड़ रुपए। अब जाहिर है दोनों के बीच बस 20 करोड़ से भी कम की दूरी है। यानी अब टॉप लिस्ट को देखें तो नंबर 1 पर लाइफ टाइम कलेक्शन के साथ बाहुबली 2 का हिंदी डब्ड वर्जन, जिसने 511 करोड़ रुपए कमाए हैं। दूसरे नंबर पर है KGF पार्ट 2 का हिंदी डब्ड वर्जन, जिसने करीब 435 करोड़ रुपए की कमाई की है। इसके बाद 387 करोड़ से ज्यादा की कमाई के साथ है दंगल, जबकि 10 दिन में ही 375 करोड़ रुपए की कमाई के साथ है शाहरुख खान की पठान। पठान से पहले रणबीर कपूर की संजू ने 342 करोड़ रुपए के साथ नंबर 4 पर अपनी जगह बनाई थी। दुनिया भर में कमाई के मामले में भी फिल्म का जलवा जारी है। फिल्म ने 10 दिन में दुनिया भर में करीब 725 करोड़ रुपए की कमाई की है। फिल्म ने अपना ये सफर कई विवादों के बीच शुरू किया, जब बेशरम रंग में दीपिका की बिकिनी के विवाद से लेकर फिल्म के डायलॉग वगैरह को लेकर भी ढेरों प्रदर्शन हुए और फिल्म को बॉयकॉट करने की भी मांग होती रही। खैर, पठान के इस बिजनेस पर आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपने पठान देखी है तो हमें ये भी बताइए कि आपको फिल्म कैसी लगी। फिलहाल इस पोस्ट में इतना ही, देखते रहिए ABP Live।